श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जैसे आप पहले हम रामायण देखते थे और हनुमान जी को उसमें कोई भी करेक्टर को हम ऊपर उड़ते हुए देखते थे, ठीक है, तो हम आश्चर्य होते थे कि यार किस तरह से ऐसे उड़ते होंगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि आप भी किस तरह अपने आप को आसमान में उड़ा सकते हैं, किस तरह से उड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, सीखते हैं कि आप किस तरह से ऊपर आसमान में उड़ सकते हैं हनुमान जी बन के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना काइन मास्टर ओपन कर लेंगे, सही है, उड़ने वाली वीडियो बनाने के लिए, सही है। इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर दीजिए, 16.9 का रेशो वाला चूज कर दीजिए, सही है। और उसके बाद आपके पास ऐसे ब्लैंक स्क्रीन आएगी, इसके पीछे आप एक बैकग्राउंड कर देना, सही है। ये यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन पे जाना, बैकग्राउंड वो रखना है आपको, जिस जैसे हो गए बादल वाली जो वीडियो होगी वो आप डाउनलोड कीजिए, गूगल से कहीं से डाउनलोड कर लेना, सही है, पिक्सब है वहाँ से आप डाउनलोड कर देना, सही है। जैसे हमने ये एक वीडियो डाउनलोड कर रखी है, ठीक है, इस तरह से हम इस बैकग्राउंड में इसको रख लेंगे, जैसे ये बादल चलते हुए दिखाई दे रहा, सही है, इस तरह से, ओके। आप कोई भी एक क्लाउड का बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना, सही है। उसके बाद आप लेयर वाले ऑप्शन में जाना, मीडिया वाले पे जाना, ठीक है, और उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। और वीडियो आपने कैसे शूट करना है, आपने पीछे एक ग्रीन पर्दा या ब्लू पर्दा कोई भी अच्छा सा रख लेना, ठीक है, उसके आगे आपने वीडियो शूट कर लेना है, सही है। उसके बाद जैसे कि हमने एक वीडियो शूट कर रखी है इधर से, सही है, हमने वीडियो शूट कर रखी है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास तो कोई और ऐसा पर्दा नहीं था, मैंने बेड शीट करके रखा हुआ है इसलिए करके, ठीक है। तो आप कोई भी अच्छा ग्रीन पर्दा या कोई ऐसा कर लेना, और मेरे पास कोई शूट करने वाला भी नहीं था इसलिए इतना अच्छा तरह से शूट भी नहीं हो पाया, सही है। इस तरह मैंने अकेला ये शूट किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने जैसा यहाँ पर से एक्टिंग शुरू की है, ठीक है, इस तरह से, ओके। यहाँ पर से हम इसको कट कर देंगे, सही है, एक कैंची के ऑप्शन पे जाएंगे और हम इसको लेफ्ट कट कर देंगे, सही है, इस तरह से। अब यहाँ पर तो खैर मैं बराबर नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि मेरा हाइट भी थोड़ा ज़्यादा है और पर्दा थोड़ा कम है, इसलिए करके आप छोटे बच्चों को या खुद आपका जिस हिसाब से उस हिसाब से पर्दा आप बड़ा कर देना, या फिर आपका हाइट छोटी होगी तो उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्रॉपिंग में जाएंगे और इसको हम थोड़ा क्रॉप कर देंगे यहाँ से, सही है, इस तरह से। तो मेरा पर्दा छोटा है, मेरा हाइट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए करके यहाँ से थोड़ा ज़्यादा बराबर कट नहीं होएगा, ठीक है, इस तरह से कट आप लगा लेना, ठीक है। और यहाँ पर आप ओके कर देना। अब इधर थोड़ा थोड़ा तो रह रहा, लेकिन आप अच्छे से अपना पर्दा जो है वो बराबर बैठा लीजिए, अच्छे से शूट करवा लेना जो दूसरों का आपने शूट करना है, अगर आप इस तरह से वीडियो बनाने का शौक रखते हैं तो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना, आप क्रोमा की में चले जाना, सही है, ये क्रोमा की का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर इसको इनेबल कर देना। अब हमारे ये पीछे का बैकग्राउंड हट गया है लेकिन पूरी तरह से नहीं हटा है, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा बिठा देना, ठीक है, इस तरह से जैसा ये, तो ये हमारा वो बैकग्राउंड हट गया है और इस तरह से अब वो का अप कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसा लग रहा जैसे ऊपर आसमान में उड़ रहे होंगे, सही है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने वीडियो बना सकते हैं,
ठीक है। और तो वीडियो कैसी लगती है, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपकी मर्जी हो तो, क्योंकि आप अपने अपनी मर्जी के मालिक है, कर सकते तो कर लेना। जय हिंद।